मॉडर्न डिस्प्ले और आइकॉनिक डिजाइन के साथ अब तक का सबसे सस्ता 12GB फोन टेक्नो कैमॉन 30। फोन के फीचर्स जानिए इस वीडियो में। वेलकम टू अनदर टेक्नोलॉजी वीडियो, दिस इज योर होस्ट हिरा नवीद। और आज की वीडियो में हमारे पास जो स्मार्टफोन डिवाइस मौजूद है वो है टेक्नो कैमॉन 30। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि ये मार्केट में अब तक की अवेलेबल सबसे चीपेस्ट 12GB डिवाइस है। जी हाँ, तो फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताते हैं और फिर इसके कैमरा और प्रोसेसर को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को चेक करते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले मिलता है हमें एक कंपार्टमेंट, और इस कंपार्टमेंट के अंदर चेक करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पर हमें कुछ बुकलेट्स मिल रहे हैं, ये फ़ोन का वारंटी कार्ड मिलता है हमें, और इसके साथ ही यहाँ पर हमें एक स्क्रीन कवर के लिए इंस्टॉल गाइड बुक मिलती है। सो खोल के चेक करते हैं। यहाँ पर हमें ये डस्ट एब्जॉर्बर मिलता है, साथ ही यहाँ पर हमें एक वेट वाइप और एक ड्राई वाइप मिलता है जिसके जरिए से इसको रिप करके यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं बाय द टाइम हम स्क्रीन प्रोटेक्टर को यूज़ करें अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। आगे देखें तो यहाँ पर हमें फ़ोन का बैक कवर मिलता है। इसके बाद हमें मिलता है हमारा टेक्नो कैमॉन 30। इसकी रैपिंग को रिमूव कर लेते हैं, फोन को टर्न ऑन कर लेते हैं। जब तक हमारा फोन टर्न ऑन होता है बाकी एक्सेसरीज को बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है ये चार्जिंग अडेप्टर, और इसके साथ ही हमें यहाँ पर ये टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है। और अगर इस बॉक्स के फ्लैप के बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें ये सिम इजेक्टिंग टूल जो है वो मिलता है। फोन को टर्न ऑन करने के बाद जल्दी से स्टार्टअप कर लेते हैं। टेक्नो कैमॉन 30 में हमें मिलता है 120Hz का फुल एमोलेड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और अगर हम इसके स्क्रीन साइज की बात करें तो यहाँ पर हमें 6.78 इंचेस का स्क्रीन साइज मिलता है। ऊपर की तरफ मिडिल में हमें फोन का फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो अलाइन हुआ मिलता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं तो ये पंच होल कैमरा है। रेजोल्यूशन को चेक करें तो ये कैमरा हमें 50 MP की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं फोन के बैक पैनल और इसके डिजाइन की। तो यहाँ पर हमें ग्लास बैक बॉडी मिलती है, और अगर हम इसके फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर हमें एल्युमिनियम की फ्रेमिंग मिलती है, और अगर हम बैक पैनल के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान का पहला सू टेक डिजाइन पैनल जो है वो मिलता है। और अगर हम इसके कुछ पैटर्न्स को चेक करें तो यहाँ पर हमें वेवी किस्म के पैटर्न्स मिलते हैं जो कि फोन के बैक डिजाइन को ओवरऑल थोड़ा सा स्टाइलिश और ट्रेंडी बनाते हैं। नीचे की तरफ हमें टेक्नो कैमॉन 30 की ब्रांडिंग मिलती है। और अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरा मॉड्यूल की। कैमरा मॉड्यूल को चेक करें तो ओवरऑल काफी राउंड शेप एक कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है, और यहाँ पर इस डिजाइन को इसके कुछ साइड एक्सेस कैमरा डिजाइन की वजह से काफी ज्यादा क्लासिक और ट्रेंडी भी कंसीडर किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैमरा डिजाइन को ये राउंड शेप डिजाइन है, काफी बड़ा मॉड्यूल है, और इसके साइड पर यहाँ पर हमें एक एक्सेस मिल रहा है जो कि जूम रिंग एक्सेस है, और इसे जूम रिंग का नाम दिया गया है। और इस जूम रिंग की बात करें तो ये वीडियो मेकिंग के दौरान फोन के बैक डिजाइन को एक किस्म का एस्थेटिक एलिमेंट जो है उसको एड करता है। इसके अलावा साइड एक्सेस कैमरा डिजाइन को चेक करें तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है जिसे एक्शन डॉट का नाम दिया गया है। रेड कलर का एक छोटा सा डॉट है जिसकी लाइट जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ऑन हो जाती है, और ये एक अलग किस्म का एस्थेटिक है जो ऐड किया गया है। यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल के साथ ही नीचे की तरफ देखें तो हमें फ्लैश लाइट भी मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ कलर के बारे में। तो ये फोन मार्केट में 6 अमेजिंग कलर्स में अवेलेबल है, और इस वक्त मेरे पास जो कलर अवेलेबल है ये है सॉल्ट व्हाइट कलर, और इसका कलर जो है उसको थोड़ा सा एनहांस किया गया है इसके बैक पैटर्न्स की वजह से। ये जो व्हाइट कलर है ये थोड़ा सा एनहांस और ट्रेंडी किस्म का हमें नजर आ रहा। अब बात कर लेते हैं फोन के रियर कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा OIS कैमरा है जो कि हमें 50 MP की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मिलता है। इसके अलावा फोन के रियर कैमरा में हमें स्टेडी नाइट पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी मिलता है। बाकी लेंजेस को चेक करें तो यहाँ पर हमें 2 MP के डेप्थ लेंजेस मिलते हैं जो कि हमें मिलते हैं डुअल फ्लैश लाइट के ऑप्शन के साथ।
अब डिस्कस कर लेते हैं कैमन 30 के सॉफ्टवेयर और इसके प्रोसेसर को। तो यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 14 बेस्ड सॉफ्टवेयर मिलता है और अगर हम इसके प्रोसेसर को चेक करें तो यहाँ पर हमें बिल्कुल लेटेस्ट हीलियो G99 अल्टीमेट प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसके रैम और रोम को चेक करें तो यहाँ पर भी हमें कुछ अमेजिंग किस्म की स्पेसिफिकेशन मिलती है, जैसे कि यहाँ पर हमें 256 GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। और अगर हम रैम की बात करें तो यहाँ पर हमें 12 GB की रैम मिल रही है, वो भी 6 GB की एक्सटेंडेड रैम की फैसिलिटी के साथ। अब बात कर लेते हैं फोन की बैटरी की। तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है कि ये बैटरी हमें 70 W की अल्ट्रा चार्ज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आइए अब कैमरा को ऑन करते हैं और कुछ कैमरा फीचर्स को चेक करते हैं। तो कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले हमें फोटो मोड का ऑप्शन मिलता है, जो कि हमें 1x और 2x के ऑप्शन के साथ मिल रहा है। लेफ्ट साइड पे चेक करें तो यहाँ पर हमें वीडियो मोड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हमें 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट का और फिल्टर का ऑप्शन भी मिल रहा है। वीडियो में डुअल व्यू वीडियो की तरफ चलते हैं तो आगे की तरफ हमें डुअल व्यू वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम डुअल फ्रेम में वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। फोटो मोड के आगे की तरफ चले तो यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है। आगे की तरफ चले तो यहाँ पर हमें सुपर नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है। और मोर के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर हमें टाइम लैप्स, स्लोमो, पैनोरामा और प्रो मोड जैसे मोड मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग किस्म का मोड जो मुझे लगा है इस फोन के कैमरा फीचर्स में, वो है इसका स्काई शॉप का मोड, जो कि बेसिकली डिजाइन किया गया है आसमान की स्काई की प्यारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए। और आप पिक्चर को कैप्चर करके खुद उसका रिजल्ट देखें तो वो आपको काफी सेटिस्फाइंग लगेगा। आइए फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से कुछ पिक्चर्स कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। आइए फोन के फ्रंट और बैक कैमरे से कैप्चर की गई कुछ पिक्चर्स और वीडियोस को चेक करते हैं। तो ये फोन के फ्रंट कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है और यहाँ पर अगर आप इसके ऑटो फोकस आई ट्रैकिंग की वजह से आई कांटेक्ट को चेक करें तो आई कांटेक्ट आपको यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेट लग रहा होगा, जो कि बाकी अगर हम दूसरे फोन से सेल्फीज खींचें तो हमें थोड़ा सा आई कांटेक्ट का इशू आता है, लेकिन यहाँ पर जो आई कांटेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हमें नजर आ रहा है। ये फोन के फ्रंट कैमरा से ही पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। आगे की तरफ चले तो ये फोन के बैक कैमरा से फोटो मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि ये पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। आगे की तरफ चलें तो फोन के बैक कैमरा से ही कैप्चर की गई वीडियो है। आगे की तरफ चलें तो ये पैनोरामा मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि ये स्काई शॉप मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फोन के बैक कैमरा से बनाई गई स्लोमो वीडियो है। ये फोन के बैक कैमरा में 100 MP रेजोल्यूशन मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि ये फोन के डुअल व्यू वीडियो मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। और ये मोड जो है वो व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। व्लॉगर्स जो है वो अगर इस फोन को यूज करें तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वो इसमें जो है वो डुअल साइड व्यू जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर टेक्नो कैमन 30 की प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये फोन मार्केट में अवेलेबल है 62,999 रुपीज में और ये अब तक का चीपेस्ट 12 GB स्मार्टफोन है।